हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैंने कितना ही खूबसूरत सा डोरमैट बनाया है। इसे आज मैंने जूट से बनाकर तैयार किया है। जो हमारी जूट की बोरियां होती हैं या जूट फैब्रिक हो, कोई भी हो, उससे बनाकर तैयार किया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान है। आप मिनटों में इस तरीके का बहुत ही बिग साइज का डोरमैट बनाकर तैयार कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे आप ओवल शेप में, सर्कल में, चौकोर में, किसी में भी बना सकते हैं। इसे आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी जूट की बोरी हो, जूट का बोरा हो, या फिर जूट फैब्रिक हो, आपके पास कुछ भी हो, आप इससे बहुत ही सुंदर सा डोरमैट बना सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे इससे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जूट फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, तो आज मैं इससे डोरमैट बना लेती हूँ। इस तरह के बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट में। बट मैं अक्सर कर मैं जूट की बोरी का यूज करती हूँ, वो काफ़ी थिक होती है। ये थोड़ा पतला होता है। जूट की जो बोरी होती है वो काफ़ी थिक होती है। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर पीस ले लिया है। सबसे पहले हम इसे एक सर्कल कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसमें बेस के लिए कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंची टेप लेंगे। इससे हमें स्क्वायर पीस कैसे कट करना है, यानी कि सर्कल पीस कैसे कट करना है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी साइज का ले सकते हैं। इस तरह से रखना है। अब हमें यहाँ पर जितना भी बड़ाई से कट करना है, तो यहाँ पर एक सेंटर में हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसी तरह से 8-8 इंची पर मार्किंग कर लेंगे और इन डॉट्स को हम आपस में मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पहले से ही कर लिए थे, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर बना लिया है। तो अब हम पहले इसे कट कर लेते हैं, तो ये हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये हमारा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके का हमें बेस के लिए भी एक फैब्रिक लेना है। तो मैं यहाँ पर बेडशीट का यूज करूँगी, क्योंकि मेरे पास बेडशीट है वो वेस्ट पड़ी हुई है, उसका यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पर डबल भी इसे जूट रोप को भी ले सकते हैं, यानी कि जूट फैब्रिक को भी ले सकते हैं। आप बेडशीट ले सकते हैं, राइस बैग ले सकते हैं, आटे का जो भी हो आपके पास उसे ले सकते हैं, या फिर जूट यानी कि बोरा ले सकते हैं। जूट बोरा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसमें से एक और सर्कल कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक और बेस के लिए ये बेडशीट से कपड़ा कट कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर इसे भी सर्कल में कट कर लिया है, तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। अभी हमें इस पर डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे साइड से रख लेंगे। अब हमने फिर से जूट रोप ले लिया है, उसी को और इसमें से हमें स्टेप कट करनी है। जितनी भी चौड़ी आपको लगानी है, उस हिसाब से आप यहाँ पर स्टेप कट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो स्टेप ले रहे हैं वो हमें इस तरीके से पहले फोल्ड करनी है, इस तरीके से। उसके बाद हमें जितना भी लेना है उस हिसाब से ले लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हम कितनी लेनी है। तो यहाँ पर 5-5 इंची की मैं स्टेप कट कर रही हूँ। इसमें से 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से ले सकते हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा 1.5 से 2 इंची में ये फोल्ड में जाएगा। जूट रोफ है, इसके धागे ना निकले, इसलिए हमें अच्छे से इसे फोल्ड करना होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से ले लिया है। आप इसे डबल करके भी इस तरीके से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डबल करके ले रही हूँ इस तरह से। जो हमारी स्टेप है वो काफ़ी अच्छी बनेगी इस तरह से। आप इसे फोल्ड करके भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें इस पर प्लेट लगानी है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लें पहले, उसके बाद आप इस पर सिलाई लगाने के बाद इसमें आप इस तरीके से प्लेट लगा सकते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी, जिससे ये बैठ जाएगा, नहीं तो बाद में ये बैठ ही जाएगा। और इस तरीके से मैं
इसमें इस तरह से बस सिलाई लगा लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर ये फोल्ड करते हुए इस तरीके से ये प्लेट लगा ली हैं। तो ये हमारा इस तरह से एक सर्कल बन गया है। आप इसे किसी भी आकार में बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें इसे इतनी प्लेट लगानी है कि जो हमारा ये फैब्रिक है जो हमने कट किया था वो इसके ऊपर अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से रख लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसका एक पार्ट लेना है और कहीं से भी इसे शुरू कर लेना है। तो इसे हम इस तरीके से रखते हुए सर्कल में हम पूरा इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए, तो मैं इसे इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे सर्कल में ये लगाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमारा पूरा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका जो बेस लिया था नीचे लगाने के लिए फैब्रिक, तो उसे लेंगे। तो अब हम इसे यहाँ पर उल्टा रख लेंगे इसको, और इसके ऊपर चारों तरफ से हम इस पर सिलाई कर लेंगे, और थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पर छोड़ देंगे इतना, जिससे हम इसे सीधा कर सकें। तो इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी और बहुत ही प्यारा लगेगा इस तरीके से। तो अब मैं इसकी किनारी को सिल लेती हूँ, यानी कि किनारी पर मैं सिलाई फेर लेती हूँ। इस डोरमेट की सबसे खास बात है कि आप इसे सुई धागे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी इस पर ये सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने इसके साथ में सिल लिया है। तो अब हमने यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ दिया है जिससे हम इसे सीधा कर सकें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये फ्रिल बना ली है इस तरह से, ये फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई लगा ली है। तो ये कि इस तरीके से हमारा ये फ्रिल वाला जूट बन गया है। तो अब हम इसमें सर्कल लेंगे। तो अपना सर्कल ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से इसे अंदर की साइड में रखना है इस तरह से, और इस पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। आप इसके साथ रख रख कर भी फ्रिल लगा सकते हैं, बट इस तरह से रखने से हमें पता रहता है कि हमें कितनी कितनी दूरी पर फ्रिल लगानी है। तो ये मैंने फ्रिल पहले से ही लगा ली है, इसमें प्लेट लगाकर ये फ्रिल वाला जूट बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हमें इस तरीके से राउंड में इस पर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से रखकर मैंने इसे सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पर दूसरा फैब्रिक है वो हम उल्टा लेंगे, और उल्टा रखते हुए इसके चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे, और थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पर छोड़ देंगे जिससे हम इसे सीधा कर सकें। तो पहले क्या हुआ था कि पहले मैंने इसे उल्टा सिल लिया था, इस स्टेप को इस तरीके से रखकर सिल लिया था, फिर मैंने सीधा किया तो अरे बाप ये क्या हो गया। तो फिर मैंने इसको उधेड़ कर फिर से इस तरीके से, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। तो इस तरीके से रख लिया है इसे अंदर की साइड में, जो फ्रिल है वो अंदर की साइड में रख ली है। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से आएगी, बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके का। तो अब मैंने ये सर्कल ले लिया है। अब सर्कल को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से चारों तरफ से सिल लेंगे, थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे राउंड में सिल लिया है। तो अब हम यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से स्पेस छोड़ दिया था थोड़ा सा इसे सीधा करने के लिए। तो ये देखिए इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी ही अच्छी आई है इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमने अभी छोड़ा हुआ है, इसे हम अभी सिल लेंगे। तो इस तरीके से ये फिनिशिंग आई है और काफ़ी प्यारा भी लग रहा है इस तरीके से। तो अब हम इसे भी सिल लेते हैं यहाँ पर रखते हुए, इसे इस तरीके से रखते हुए। और काफ़ी थिक भी है ये, क्योंकि इसमें जो फ्रिल लगाई है वो काफ़ी थिक है। तो इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर इसे सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिल लिया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और राउंड में मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा, इसका जो बेस है वो हमने काफ़ी थिक लगाया है क्योंकि बेडशीट थी उसको ले लिया है, और इसकी जो किनारी हैं वो डबल करके ले ली हैं। तो ये काफ़ी थिक सा जूट का ये डोरमेट बनकर तैयार हो गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है, सर्कल कट करना है और उसके बाद इसकी जो किनारी है वो लगा लेनी है, और पीछे हमें बेस तैयार कर देना है। तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। तो आपने देखा होगा जूट की बोरे से, आज हमने जूट रोप से, जूट फैब्रिक से, जूट बोरे से, किसी से भी आप इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही प्यारा सा ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।
फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैंने बहुत ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। इस डोरमेट को आज मैंने जूट फैब्रिक से बनाकर तैयार किया है। आप इसे जूट बोरे से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाने का तरीका है वो काफ़ी आसान है। तो ये देखिए, इसे सीधा कर लिया है। इस पर एक मैंने फ्रेश स्टिच लगा लिया है, जिससे ये जो जूट फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम इस पर कढ़ाई करेंगे। कढ़ाई करने के लिए मैं यहाँ पर वूलन का यूज भी कर लूँगी। आप चाहे वूलन का यूज कर लें या फिर साड़ी की जो स्ट्रैप होती है इसको पतला पतला सा कट करके, बहुत ही पतला सा, एक इस तरह से एक पतली सी स्ट्रैप बना लें। ये देखिए, मैंने आधा इंची जितना इससे कट कर लिया है और इस तरह से एक स्ट्रैप बना ली है। जितना हम निडल लेंगे उसके अंदर ये आराम से आ जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से आप कोई बड़ी सी निडल ले लें। आप इसकी जगह वूलन थ्रेड्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साड़ी का यूज कर रही हूँ। ये काफ़ी मजबूत रहता है और इसे आप किसी से भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे डालेंगे तो हमें वॉश तो करना ही पड़ेगा। वूलन से क्या होता है कि वूलन से जो फैब्रिक है, जो वूलन होता है, वो कुछ दिनों बाद घिस जाता है और ये जो फैब्रिक होता है वो कभी घिसता नहीं है। तो इसके अंदर हम इसे अच्छे से डाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये फंस गया है इसके अंदर और यहाँ पर हम एक नॉट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से नॉट कर लिया है और यहाँ पर इसे हमने इस तरीके से कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि पीछे की साइड से हमें इस तरह से लेना है इसे और इसी के साइड से इसे इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, जो यहाँ पर लिया है इसी के बगल से निकाल लिया है और फिर से हम इसे पीछे की साइड में निकालेंगे। ये देखिए, आगे की साइड में निकालेंगे तो ये हम इस तरीके से एक चैन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके का, और इस तरीके से फिर से हम इसी के अंदर से डालेंगे जहाँ से हमने पहले लिया था वहीं से, और फिर थोड़ी सी दूरी से फिर से निकालेंगे। यहाँ पर क्या है कि हमने किनारी लगाई है तो थोड़ी सी देरी से ये निकल रहा है, बट जैसे जैसे हम इसे बनाते जाएंगे बहुत आसानी से ये बनता जाएगा जब हमारा हाथ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हम रो इस तरीके से बना लेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, जूम करके अब मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से बनाना है। जैसे अभी हमने यहाँ से निकाला था, अब हमें क्या करना है कि यहीं से फिर से हमें निडल को डालना है और थोड़ी दूरी पर यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेना है। इस तरीके से निकालने से और इसमें एक अच्छा सा डिजाइन बनता जाता है। ये देखिए, इस तरह से जब हम इसे खींचेंगे फिर से डालेंगे थोड़ी दूरी पर और फिर से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे पूरा राउंड में बनाते जाना है और इसी तरीके से हमें इसमें 3 से 4 रो बनाकर तैयार करनी है, जिससे ये इसका जो लुक है, जो खाली सा है यहाँ पर, वो पूरा फिल हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और आप इस तरीके से डिजाइन बनाकर भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, जो डिजाइन है वो कितना ही प्यारा लग रहा है। आप इसे वूलन से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे साड़ी की स्ट्रैप से बना रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे में बना लूंगी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इस तरीके से बनानी होगी इसमें स्ट्रैप। ये देखिए, एक स्ट्रैप हमने यहाँ पर बना ली, एक हम यहाँ पर बनाएंगे तो दूसरी हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरीके से 3 से 4 हम ये इसमें बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर ली है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले ही तो हम यहाँ पर बना ही रहे हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से रो बना ली है। तो एक छोटा सा सर्कल हम यहाँ पर बना लेंगे।
तो ये देखिए ये सर्कल भी हमारा बन गया है। तो इसे अब हम फिल कर देते हैं। फिल करने के लिए क्या करना है, आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फिल कर दिया है। तो अब हम इसे पीछे की साइड में ले जाते हुए यहाँ पर इसमें नॉट कर देंगे। यहाँ पर मैंने अच्छे से नॉट कर दिया है। इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है, उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ये जूट से हमारा ये डोरमैट बनकर तैयार हो गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी बिग साइज में बनाकर तैयार किया है। इसी तरह से आप और भी बड़ा बना सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय, टेक केयर।